इनके आपने तमाम बातें सुनी। पहले मेरा ठेला था स्टॉल, लेकिन अब जो है मेरा फूड कार्ट है। रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट कर चुकी हूँ, मैनेजमेंट की है मैंने। हाँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, तो फ्यूचर में मैं अच्छा रेस्टोरेंट बना सकती हूँ। एजुकेशन हासिल की, तालीम हासिल की, तो जॉब करो, ऑफिस में बैठो, ये क्या रोड पे निकल आई हो। फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा यूट्यूब पे, मैंने देखा यूट्यूब पे देखा था आपने जी। तो मेरे साथ ही बोला चलो अब ट्राई करते हैं। यही करीब में आपके ख्वाहिश है कि मेरी हर शहर में अपनी ब्रांचेज हो, पाटीदार चावल वाले के। सबसे पहले अगर कराची में दूसरी ब्रांच खोलूंगी तो कहाँ खोलूंगी? सोचती कि आज मुझे प्रॉफिट कितना बचेगा। मैं ये सोचती हूँ कि आज मेरे कस्टमर का पेट भरना चाहिए, मुझे उसी तरह से मुझे बनाना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू आरिफ के साथ। ठीक हो गया। ये बताइए कि आपको सुबह आने का टाइमिंग? 11 से 5। अच्छा, और यहाँ तो मैं जल्दी जाती हूँ। हाँ हाँ, पहले मेरा ठेला था स्टॉल, लेकिन अब जो है मेरा फूड कार्ट है। तो अब फूड कार्ट है तो पहले मैं दाल चावल लगाती थी, फिर अब मैंने सालन वगैरह की जो है आइटम बढ़ाए, आइटम बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब बाइक पे मेरी 5 पार्टियाँ आती हैं। ठीक है, हो गया। इसमें 3 ऊपर सालन होते हैं, 2 साइडों पर होते हैं। तो वो सालन कच्चे लेकर आती हूँ और राइस कच्चे लेकर आती हूँ यहाँ पे। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आके मुझे पकाना होता है, तो मतलब मैं 11 बजे से स्टार्ट करती हूँ देना, लेकिन आज आती हूँ मैं 10 बजे तक। अच्छा, आपको पता है दिन ब दिन चीज़ों की कीमतें जो है ना वो आसमान को छू रही है, तो आप किस तरह मैनेज कर रही हैं? ये थोड़ा टफ हो गया मेरे लिए। बेसिकली जो अनियन थे, व्हाटएवर, जो छोटी-छोटी चीजें थी, वो प्राइस देख लेना कहाँ चला गया। आप लोगों को भी इस चीज़ का पता है कि जिस तरह से चीजें हैं, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही बात है कि मेरा यकीन मेरे अल्लाह पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये नहीं सोचती कि आज मुझे प्रॉफिट कितना बचेगा, मैं ये सोचती हूँ कि आज मेरे कस्टमर का पेट भरना चाहिए, मुझे उसी तरह से मुझे बनाना है, उसी तरह से करना है। अच्छा, डे वन से आपकी कस्टमर इंक्रीज हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो उनको घर का खाना मिल रहा है, साफ सुथरा मिल रहा है, दूसरे नंबर पे उनको क्वालिटी अच्छी मिल रही है, तीसरे नंबर पे क्वान्टिटी उनको बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, मतलब वो पेट भर के खाना खा रहे हैं। मेरा वही माइंड है कि मैं दूसरे को अपनी तरह समझ के, मैं भी एक पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से थी और हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब करती थी तो सब लंच वगैरह जो बाहर से मंगवा रहे थे, माइंड होता था यार स्टोर में कहीं पेड़ भर के खाना मिल रहा है। मैं अपनी इस चीज़ को, इस थिंकिंग को अपने ऊपर रख के सोचती हूँ कि अगला भी यही सोचता है, तो क्यों ना कोई ऐसा खाना बनाऊँ जो स्टोर में पेड़ भर के उसको मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल की क्वान्टिटी 1/2 किलो मिल रही है। बेटा ये क्या है, उनके 2 प्लेट हो गए। अच्छा, ये जो दाल आप लेती हैं रोजाना चेंज करते हैं या एक ही दाल? एक ही है, मूंग मसूर है, उसी को कंटिन्यू आपने किया हुआ। साथ में जो 2 मजीद आइटम आए, तीन साल वो कौन से? एक सब्जी होती है, एक आपकी मीट होता है, चिकन होता है, बीफ होता है, उसकी आइटम होती है, डिशेज होती है, चेंज हो गए लाहौरी छोले। अच्छा, लेकिन वजह शोहरत तो आपकी दाल चावल ही है, आपने बैक साइड में भी बाजी दाल चावल मुख्तलिफ ब्रांड करवाया है। ब्रांड का नाम ही बाजी दाल चावल है। ठीक है। अच्छा, अपना आप कहीं ना कहीं इंसान जो है ना अपना एक वो बनाता माइंड के यार मैंने यहाँ जाना है। जैसे आपने माशाल्लाह बहुत जल्दी तरक्की की, एक ठेले से आप कार्ट पे आ गई हैं, रिक्शे पे आ गई हैं, स्टेप बाई स्टेप। अब आप कहाँ देख, छलांग नहीं लगाना चाह रही हूँ, मैं स्टेप बाई स्टेप चल रहा हूँ। फ्यूचर में आप कहाँ देख रही हैं अपने आप को, या देखना चाहती हैं? बल्कि ये ज़्यादा देखिए, फ्यूचर तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन कोशिश
की ख्वाहिशात भी खत्म नहीं होती है। ख्वाहिश है कि मेरी हर शहर में अपनी ब्रांचेज हो, बाजीदार चावल वाले के। सबसे पहले अगर कराची में दूसरी ब्रांच खोलूंगी तो कहाँ खोलेंगी? एक तो जौहर में खोलूंगी, उसके बाद मैं मेरा जो टारगेट है अगर अल्लाह ने चाहा तो मलीर हो गया, तुरंगी हो गया। तो आपके जब फैमिली मेंबर जब ये वीडियो देखते हैं तो कैसा लगता है, आपको क्या कहते हैं? खुश होते हैं? सवाल पूछा है, कुछ तो शायद होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। अच्छा, बच्चे क्योंकि बड़े की वजह सौ वाली है, बेसिकली फैमिली के इश्यूज तो हर जगह होते हैं। कहते हैं कि एजुकेशन हासिल की, तालीम हासिल की, जॉब करो, ऑफिस में बैठो, ये क्या रोड पे निकल आई हो, हमारी इज्जत में तोहीन, हमारी तोहीन है, हमारी एक ही बहन हो, सिंगल मदर भी हूँ और सिंगल सिस्टर भी। ठीक हो गया। तीन भाइयों की इकलौती बहन। सही। तो उनकी ख्वाहिश है कि मैं कहीं अच्छी पे, जैसे जॉब कर रही थी मैनेजमेंट की जॉब कर रही थी, तो वहीं जाओ, सुकून से अपनी जिंदगी गुजारो। ये क्या है, मैंने कहा फ्यूचर प्लान है, ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल, इसी से सब कुछ है। मेरा हाल भी मुझे बेहतर बनाना है, मुझे मेरा मुस्तकबिल भी बेहतर बनाना है, बस यही वजह है कि मैंने परवाह नहीं की। नए लोगों ने आपको अप्रोच किया कि हम भी इस तरह का काम करना चाहते हैं? काफी लोगों ने कांटेक्ट किया, डायरेक्ट तो नहीं किया, फोन पर रब्ता हुआ। मैंने उनको अच्छी गाइडेंस दी, मैंने कहा ये मत देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, सेम वही आप करो। ठीक है। आप पहले अपने अंदर का टैलेंट ढूंढो कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो। सही। तो आप वही करो। नहीं, ये खाने का काम, मैंने कहा कुछ देखा जाए तो मैं कहूँगी, मैं एज अ प्रोफेशन भी हूँ, प्रोफेशन का काम बहुत अच्छा है तो हम लोग, लेकिन मुझे पता था मैं प्रोफेशन ज़्यादा अच्छी नहीं साबित होंगी। सही। मैं हाँ रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट कर चुकी हूँ, मैनेजमेंट की है मैंने। सही। हाँ, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो फ्यूचर में मैं अच्छा रेस्टोरेंट बना सकती हूँ। अब अमाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना, बस जब अल्लाह का नाम लिया, जब अल्लाह आ जाता है तो सब क्लोज हो जाता है, अल्लाह के आगे तो कुछ भी नहीं होता। चले भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल हमारे भी साथ को टाइम दिया, और हमारी भी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में जो भी आपके प्लान हैं अल्लाह ताला ने कामयाब करे। इस तरीके से आप मेहनत करते रहे और जब भी मौका मिलेगा हम आपको हमेशा आपको जो अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह। ये आरिफ भाई आए हैं हमारे पास, तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो इनको भी सपोर्ट करें, इस आप लोग इनको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता, हम एटलीस्ट 5 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो चले इनका चैनल अच्छे पैमाने पर चला जाएगा, इनकी भी करियर बन जाएगा अच्छा। ठीक, तो आप लोग इनको सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। प्राइस क्या दिए इन्होंने? 100 रुपीज़ एक प्लेट। तो ये क्वांटिटी सही है? क्वांटिटी सही है मेरे हिसाब से, बाकी ट्राई करेंगे तो आइडिया होगा क्या आगे। फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा यूट्यूब पे, मैंने देखा यूट्यूब पे देखा था आपने जी। तो मेरे साथ नहीं बोला चलो अब ट्राई करते हैं, यही करीब में आप कहीं काम कर रहे थे? हम लोग पूरा काम करने आए हैं। साथ में खाने लाइफ टाइम हो तो ये फर्स्ट टाइम होगा जी? फर्स्ट टाइम। अच्छा, मलीर से आए आप, इतनी दूर ये खाने तो खाने तो नहीं, आप यहाँ काम करें तो काम करने आए तो सही है, बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह अच्छी है। ये देखें, ये प्लेट आपकी सच के आ गई है, ज़रा ट्राई करें फिर हमें बताएं ज़रा एक दोबारा ले आप बाइट में। घर जैसा जायका है क्योंकि इनका कहना यही है कि घर जैसा जायका है, तो आप इस बात की वो कर रहे हैं कि हाँ भाई घर जैसा ही है। बिल्कुल, आप ट्राई करो भाई, ये करने वाला ज़रा आप भी था, आप बताएँ क्वांटिटी सही है? बेस्ट है, क्वांटिटी सही है, होगी कोई नहीं। ज़रा हाँ भाई, कैसे लगा लड़के? इनके आपने तमाम बातें सुनी और आपको कैसा लगा आपने कमेंट करके बताना है। इनकी मेहनत देखें कि ये बेचारी लगी हुई है और मेहनत के साथ इनके जितने भी एम्स हैं अल्लाह ताला उसको भी जो है वो पूरा करें। तो हमारे चैनल आरिफ के साथ को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ब्लॉग खत्म करेंगे इस हफ्ते पर के साथ कि आप मेरे चैनल आरिफ के साथ को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।